देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये जो इंसिडेंट है ये 8th की जो इवनिंग को हुआ था, जिसमें एक छोटी बच्ची जो है उसके साथ मतलब जो है रेप का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। तो अकॉर्डिंगली जब ये इंसिडेंट यहाँ पर हमें रिपोर्ट हुआ, एक्यूज़ को जो है उसी वक्त जो है हमने उसको अरेस्ट कर लिया। तो ही इज़ इन द पुलिस कस्टडी। तो पिछले कुछ एक दो दिन से यहाँ पर जो था कुछ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हुए, जिसमें इसकी जो एज को लेकर डाउट था। एक कुछ सर्टिफिकेट था जो कि प्रिंसिपल है कि यहाँ का स्कूल का, जिसने कुछ वो इशू किया वो जो है उसमें, जो मैं बताना चाहता हूँ कि दैट इज़ नॉट अथेंटिक वन, जो कुछ अथेंटिक नहीं है। उसके लिए हमने सेपरेटली कॉग्निजेंस लिया है और उस प्रिंसिपल जो है और बाकी जो उसमें मुलव्वस हैं जिन्होंने इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी की है उनसे हम क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक इस केस का सवाल है, इसमें जो है हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूट गई की है, जिसमें यहाँ के जो SDPO सुंबल हैं वो इसको हेड कर रहे हैं और साथ में SHO और जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स हैं उनकी एक जॉइंट टीम जो है इस केस को पूरी तरह से जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और बिट बाई बिट जो इसमें जो एविडेंसेज हैं उसमें हम जो कलेक्ट कर रहे हैं। आज मैं यहाँ पर पर्सनली खुद आया हूँ, SSP साहब भी जो है एक दो दिन से यहाँ पर कैंप किए हैं, TC साहब भी यहाँ पर आए। तो मैं एश्योरेंस देना चाहता हूँ आप मीडिया वालों के थ्रू कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन होगी और आप इस पर यकीन रखिएगा। और मेरी जो अपील है पब्लिक से कि जो है वायलेंस में जो है वो लोग इंडल्ज ना हों। नहीं अभी जो है मेडिकल रिपोर्ट नहीं आया है, तो अभी जो केस जो है देखिए क्या कहते हैं, इसमें जो है मेडिकल रिपोर्ट होती है उसमें जो है FSL होती है, FSL के भी जो कुछ हमें दस्तावेज भेजे हैं उसका जब आती है रिपोर्ट उसके बाद ही ज्वाइंटली जो है उसमें ओपिनियन डॉक्टर जो है देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम उसको भी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और जो भी इसमें जो केस होगा इसको पूरा एक जो है एक प्रोफेशनल तरीके से जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा।